المصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم असला तो वसला रसूल्लाबिकबी असला तो वसलाया नबीबिक नूरल नबी पाक सल्ला वसलम ने इरशाद फ़रमाया कल बरोज़ क़यामत मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े होंगे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाजरीन यह प्रोग्राम दरसे बुखारी शरीफ हम आपको इसमें खुश आमदी कहते हैं सवाब की खातिर बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें भी फरमा लीजिए कि फरमान मुतफ़ा सल्लही वसल्लम है नी ही मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है मदे चैनल के नाज़िन गुजशत सिलसिले में सही बुखारी शरीफ की हादी मुबारक हदीस नंबर नाइनटी नाइन जो सईद नाब हुरैरा रदी अल्लाह तु से मरवी है उस पर हम कुछ कलाम कर रहे थे इस हादी मुबारक में सैदा अबू हुरा और रदी अल्लाह तहों ने सरकार दोआलम सल्ह वसलम से ये सवाल किया था कि कल क़्यामत के रोज आपकी शफात के हसूल में सबसे ज़्यादा कामयाब कौन होगा तो नबी पाक सल्ला वसलम ने यह फरमाया था कि ए अब मेरा ये गुमान था कि इस हदीस के मुतालिक इस बात के मुताल मुझसे तुमसे पहले कोई और सवाल नहीं करेगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हदीस का इल्म हासिल करने में हरीस हो फिर उसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह बात बयान फरमाई थी कि कल बरोजे कयामत मेरी शफात के हुसूल में सबसे ज्यादा कामयाब वो होगा कि जो खुलूस कल्ब या इखलास नफ्स के साथ

उसकी वजह जो मुफसरीन ने बयान की थी था, और इसके साथ साथ फुर्कान हमीद से चंद एक दलायल थे जो इस बात पर रोशन दलील थे कि नबी पाक अलैहि वसल्लम कल हमारी शफात फरमाएंगे बिल्कुल आखिर में जाके मजीद फुरकानी इसरा जिक्र किया था अल्लाह तबारक इीब है, आसा करीब है तुम्हारा रब ऐसी खड़ा करे जहा सब तुम्हारी हमद करेंगे आयत में मकामूद का जिक्र है और मकाम महमूद ये मकाम शफात है कसीर मुफसरीन ने इसका जिक्र किया और जाम तरमजी की जो हदीस मुबारक जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अर्ज की गई थी कि हजूर मकाम महमूद क्या है तो आपने फरमाया हुआ शफा फरमाया यही वो शफात है इमाम अहल सुन्नत सईद आल हजरत इमाम अहमद रजा खान अल रहमतुर रहमान फतावा रिजविया में एक मकाम पर यही आया मुबारक और मुख्तलिफ कुतुब से अहदीस मुबारक जिक्र करने के बाद फरमाते हैं और शफात की हदीस से खुद मुतवातर मशहूर और सिहा वगैरह में मरवियो मस्तूर है उस दिन आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा कलीमतुल्लाम तक सब अम्बिया अलमसलातम नफसी नफसी फरमाएंगे और हजूर कदर सल अना लहा अनाल मैं शफात के लिए हूँ मैं शफात के लिए हूँ आप ये फरमाएंगे कहेंगे और नबी इज हबूला मेरे हजूर के लब पर अनाल होगा और सलीन व मलाइका मुकर्रबीन सब साकित होंगे और वो मुतकल सब सर बगरे बान वो साजिदो कायम सब मोहल्ल खौफ में और वो खुद अमन में और उम्मत के अमन के ख्वाहिश मंद होंगे सब अपनी फिक्र में होंगे और उन्हें यानी नबी आल सलाम को फिक्र अवालम सब जेर हकूमत वो मालिक हाकिम बारगाह इलाही में सजदा करेंगे पैगंबर एदीयाला हजरत रहमतुल्लाह ताला ले आगे मस्जिद फरमाते हैं कि उनका रब उन्हें फरमाएगा या मोहम्मद इरफा راسक व कुल तुस्मा व सल तुअता व शफा तुशफा तु के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ और अर्ज करो कि तुम्हारी अर्ज सुनी जाएगी और मांगो कि तुम्हें अता फरमाया जाएगा शफात करें कि तुम्हारी शफात को कबूल किया जाए उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्त, दुश्मन, मुफिक मुखालिफ हर शख्स नबी करीम वसल्लम की अफजियत कुबरा व सियादत उजमा पर ईमान लाएगा सबूत शफात पर कसीर अहादीस मुबारक हैं जो अहादीस की कुतुब के अंदर मौजूद हैं सईद नब हुरैरा रदी अल्लाह तहु बयान करते हैं सही मुस्लिम शिव की आदि से मुबारक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी की एक दुआ जरूर कबूल होती है और हर नबी ने उस दुआ को दुनिया में खर्च कर लिया और मैंने उस दुआ को कयामत के दिन अपनी उम्मत की शफात के लिए बचा कर रखा है सुबह अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये इन शाह मेरी उम्मत के हर उस फर्द को हासिल होगी जो अल्लाह तबारक के साथ बिल्कुल भी शिरक नहीं करेगा यानी उसका खातिमा ईमान पर हुआ अगरचे उसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद है तो नबी पाक वसल्लम उसकी भी शफात फरमाएंगे जैसा कि अबू दाऊद शरीफ और जामे तरमजी के आदि से मुबारक में ये बात बिल्कुल वाजे हो जाती है हजूर फरमाते शफाती मेरी शफात मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है

फरमाऊंगा सरकारी दुआ आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कबूल भी की जाएगी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास رضی اللہ تعالی से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कयामत के दिन तमाम अम्बिया کرام علیہم الصलातु व सलाम के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे और वो उनके ऊपर बैठ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक मेंबर होगा जो खाली रहेगा मैं इस पर ना बैठूंगा बल्कि अपने रब करीम के हुजूर खड़ा रहूंगा इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जन्नत में भेज दिया जाए और मेरी उम्मत मेरे बाद कहीं भी यारो मददगार ना हो जाए इसलिए मैं अर्ज करूंगा ए मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत अल्लाह तबारक वाल फरमाएगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी क्या मर्जी है आपकी उम्मत के साथ क्या सलूक करूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं अर्ज करूंगा ए मेरे रब इनका हिसाब जल्दी फरमा दे फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वलीही वसल्लम ने शाद फरमाया कि बस फिर उनको बुलाया जाएगा और उनका हिसाब होगा कुछ उनमें से अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और कुछ मेरी शफाअत से मैं शफात करता रहूंगा करता रहूंगा यहां तक के मैं उनकी रिहाई का परवाना भी हासिल कर लूंगा जिन्हें दो में भेजा जा चुका होगा यहां तक के मालिक दारो अर्ज करेंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम आपने अपनी उम्मत में से कोई भी जहन्नम की आग में नहीं छोड़ा कि जिस पर अल्लाह तबारक वाला नाराज होने के नाजरीन याद रहे शफात उसे मिलेगी जो नबी पाक की शफात तो पर ईमान रखता हो यकीन भी रखता हो कि मनी हजरत सयदना जैद बिन अरकम वगैरह चौदह साहब कलादवान से रावी हजरत नबी पाक सल्लाते हैं शफाती फमल लमयु मम बिहामय युम अहलिहा फरमाया मेरी शफात क्यामत के दिन होगी ये बात हक है तो जो इस पर ईमान नहीं लाएगा तो जो इस पर ईमान नहीं लाएगा तो फरमाया लमयमिन अहलिहा तो वो इसके काबिल भी नहीं होगा इस हादिस मुबारक को नकल करने के बाद सईदी अला हजरत इमाम सुन्नत रहमान <गर्य Elliot> आप यूँ दुआ करते हैं ए अल्लाह तू जानता है बेशक तूने हिदायत अता फ़रमाई है तो हम तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की शफात पर ईमान लाए ए अल्लाह वजल्ला हमें दुनिया और आखरत में लायक शफात बना दे आमीन सईद आला हजरत रहमत तय ने यह भी वाज फरमा दिया कि बिला वास्ता शफात मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की होगी आप फरमाते हैं कि सरकार दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम का फरमान अना साहिबु शफा इसका एक लतीफ माना यू जिक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह हमें बिला वास्ता शफात कुरान करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी इसीलिए रोज़े कायमत तमाम शफात करने वाले फरिश्ते हो अम्बिया इकराम अलैहि मुसल्लम हो ओलिया हो हुफाज़ हो शुहादा हो हुज्जाज़ हो सुलहा हो ये तमाम के तमाम इनकी शफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होगी ये हजूर की बारगाह में शफात करेंगे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में शफात फरमाएंगे इनकी रसाई इन्हीं तक होगी नबी करीम वसल्लम इन लोगों की भी शफात फरमाएंगे जिनका इन हजरात ने किया होगा और उनकी भी शफात फरमाएंगे जिनका जिक्र इन्होंने ना किया होगा हमारे नजदीक सईद आल हजरत रहमत फरमाते हैं ये माना अहादीस से मुक्द है और ये बात भी जहन में रखने की है कि जब तक हमारे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात का दरवाजा नहीं खोलेंगे किसी को भी शफात की इजाजत ना होगी इस बात पर ईमान रखना भी वाजिब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अम्बिया कराम अलहमसलाम और मलाइका और उलमा शुहदा सालिहीन और कसीर मुमिनीन

इस शफात का फायदा सारी खलकत को के कुफार को भी पहुंचेगा इस शफात की बरकत से हिसाब किताब शुरू हो जाएगा और क्यामत के दिन मैदान से नजात मिलेगी और यह शफात हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करेंगे उस वक्त कोई नबी इस शफात की जुरात ना फरमाएंगे सबसे पहले शफात का दरवाज़ा जो है वह सरकार दोआलम सल्ला वसलम ही, ही, ही खोलेंगे फिर आप फरमाते हैं कि शफात जो शगरा है जहूर फजल के वक्त होगी ये शफात बहुत लोग बल्कि कुरान रमज़ान खाना काबा, कबा सुलहा और इसके अलावा और दीगर ये सब भी शफात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम रफ़ दराजात के लिए सालहीन हती के नबियों की भी शफात फरमाएंगे यानी दर्जात की बुलंदी के लिए नबियों की सालहन की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी शफात फरमाएंगे और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए हम गुनाहगारों की शफात करेंगे लिहाजा आपकी शफात से अम्बी कराम भी फ़ायदा उठाएंगे उसके बाद आप एक दुआ करते हैं अल्लाहुम्मरज़ुक़ना शफ़ात हबीबी कल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम के ए अल्लाह हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात का सहारा अता फरमा और शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये इरशाद फरमाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम की शफ़ात कई तरह की होगी आप फरमाते कि शफात की किस्में हैं शफात की पहली किस्म ये शफाते उज्मा है और शफात की दूसरी किस्म एक कौम को बेहिसाब जन्नत में दाखिल करवाने के लिए होगी और ये शफात भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम के लिए साबित है और बाद कराम के नजदीक ये शफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम के साथ ही खास है फरमाया तीसरी किस्म की शफात उन लोगों के बारे में होगी कि जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर हैं और शफात की मदद से वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे यानी नेकियां और बुराइयां बराबर हैं अब जन्नत में जाएंगे या जहनों में जाएंगे या कहा रहेंगे इसके लिए एक इजाफी नेकी की जरूरत है फरमाया इन लोगों की भी शफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे और इनकी शफात से वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे चौथी किस्म की शफात फरमाया उन लोगों के लिए होगी जो कि दोजक के हकदार हो चुके होंगे तो नबी पाक शाफ योम नशूर सल्लाम शफात फरमा उनको भी जन्नत में लाएंगे पांचवी किस्म की शफात मर्तबे की बुलंदी और बुजुर्गी के इजाफे के लिए होगी यानी रफे दराजात के लिए होगी छठी किस्म की शफात उन गुनाहगारों के बारे में होगी जो कि जहन्नुम में पहुंच चुके होंगे और शफात की वजह से निकल आएंगे और इस तरह की शफात दीगर रबिया करामिश्तेलामा और शुहादा भी फरमाएंगे सातवीं किस्म की शफात जन्नत का दरवाजा खोलने के बारे में होगी और आठवीं किस्म की शफात खास कर मदीना मुनवरा ज़ाद शरफीमा इनके लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अनवर की जियारत करने वालों के लिए खसूसी तरीके पर होगी यानी आठवीं किस्म की जो शफात है वो मदीना मनवरा में रहने वालों के लिए और वो लोग के जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ अनवर की जियारत के लिए खसूसी तौर पर जाते हैं इन हजरात के लिए ये खसूसी तरीके पर होगी इसी वजह से उलामा ने लिखा है कि नबी पाक वसल्लम मैदान महशर की होल से छुड़ाने के लिए तमाम मखलूक की शफात फरमाएंगे बासकुफार के लिए तख्फीफ आजाब की शफात करेंगे बासमोमिन को दोजख में दाखिल कर दिया जाएगा आप उनको दोजख से निकालने के लिए शफात करेंगे बाद मम दोज़ख में दखूल के मुस्तक हो चुके होंगे इनको दोजख में दाखिल ना करने की शफात करेंगे बाद मम को जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल करने की शफात करेंगे बास के लिए दराजात में बुलंदी की शफात करेंगे जिनकी नेकियाँ और बुराइयाँ बराबर होंगी उनको जन्नत में दाखिल करने की शफात करेंगे और ये सब लोग आपकी शफात की शहादत को हासिल करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा आपकी शफात वो हासिल करेगा जो से और के साथ वो नोान लाया होगा और यही बात उस से मुबारक में है जो सही बुखारी शरीफ की से मुबारक नाइन नंबर हदीस है और इस हदीस को आज के सिलसिले में और गुजरात सिलसिले में हमने बुनियाद बनाकर इसी के ऊपर गुफ्तगु की है और दुआ भी यही है कि अल्लाह तबारक को ऐसी मुस्तक बनाए और कामिल ईमान की दौलत से फैजिया फरमाए पाक जो अपनी उम्मत की शफात फरमाएंगे ये सब अल्लाह तबारक वही होगा जैसा कि कुरने मदीद फुरीद में यह शाद ब अल्लाह तबारक व ताला ने ये इरशाद फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह कौन है जो बगैर खुदा की इजाजत के सिफारिश कर सके हजूर अगर शफात करेंगे तो अल्लाह के इज़्न से है दीगर अम्बिया औलिया सुलहा शुहदा और दीगर और चीजें काबतुल्ला ये सब के सब जब शफात करेंगे तो अल्लाह तबारक हुक्म से ही होगा एक और मकाम पर सूरह मरियम में अल्लाह तबारक व ने फरमाया, अहदा किसी को शफात का इख्तियार नहीं होगा सिवाय उनके जिन्होंने खुदा की तरफ से व करार कर दिया यानी खुदा की तौहीद की उन्होंने गवाही दी हो और इसी पर वो हमेशा कायम रहे यानी उनका खातिमा भी ईमान पर हुआ तो उन्हें अल्लाह तबारक वताला, अता फरमाएगा, यानी शफात का हक उन्हें मिलेगा कि वो आगे किसी और की शफात कर सकते हो और इल्ला फरमाए वो किसी की शफात नहीं करेंगे मगर उसकी जिससे खुदा खुश हो मेरे चैनल के नाजरें इससे ये पता चलता है कि बगैर ईमान और तोहेद के शफात की उम्मीद नहीं की जा सकती और ये बात हमारी आज की हाजी से पाक से भी साबित है कि हजरत सदना अबू हुरैरा रदील्ला ने यह बयान किया था कि रसूल खुदा सल्ह वसलम से मैंने ये अर्ज किया कि क़्यामत के दिन आपकी शफात के हसूल में सबसे ज्यादा कौन मुस्तह होगा यानी किसकी किस्मत में यह कि वो ज्यादा सदतमंद कहलाएगा और उसे हजूर की शफात पहुंचेगी तो नबी पाक सल्ला ने फरमाया था अबू हुरैरा मैं जानता था कि तुमसे पहले कोई ये बात मुझसे नहीं पूछेगा क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि तुम्हें हदीस सुनने की कैसी हिरस है तो फिर उसके बाद हजूर नबी पाक सल्ला ने वो बात इर्शाद फरमाई जो सईदू हुररा रजी अल्लाह ने पूछना चाहते थे और फरमाया आप सुन लो कि सबसे ज्यादा मेरी शफात का नसीब होना कयामत के दिन उस शख्स के लिए होगा या सबसे ज्यादा मेरी शफात के हसूल में कामयाब वो शख्स होगा जिसने अपने दिल से या अपने जी के इखलास के साथ ला कहा होगा यानी उसने ईमान कबूल कर लिया होगा सिर्फ ज़ाहिर से नहीं बल्कि बातिन भी मोमिन है और जाहिर भी मोमिन है अगर इजहार वो इस्लाम का कर रहा है तो उसका दिल भी सच्चा है और दिल के साथ वो सदक़े दिल के साथ ईमान को कबूल करता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की रिसालत अल्लाह की तोहद और दीगर वो सब चीज़ें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वम लेकर आए हैं उनके सामने वो सरे तस्लीम खाम करता है यानी उन्हें सच्चे दिल के साथ मानता है फरमाया ये शख्स सबसे ज्यादा क्यामत के रोज़ मेरी शफात के हसूल में कामयाब होगा अल्लाह करीम हम सबको कामिल ईमान की दौलत से नवाजे और हम सब को रोजे हशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का मुस्तक ठहराए और आपकी शफात के सदक़े नबी सलाम के सदक़े हम सब को जन्नतफ़रदोस भी नसीब फरमाए आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु जिला तब विक वो the fire